नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मऊ जिले के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत दुबारी में उपस्थित हूँ और मेरे पीछे आपको एक बड़ा बैनर दिख रहा होगा। इस पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है सम्मान समारोह। इस सम्मान समारोह की बात करने से पहले मैं बता दूँ, धनगर समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अहिल्याबाई होलकर जी का नाम भी आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में। धनगर समाज पाल समाज की गौरव अहिल्याबाई होलकर जी, जब भी आप पाल समाज की बात करेंगे तो पाल समाज की बात करने से पहले अहिल्याबाई होलकर जी का नाम अवश्य लिया जाता है, ये इनके समाज की गौरव है। अब मैं बात कर लूँ कि यहाँ सम्मान समारोह किस चीज़ का हो रहा है, तो मेरे साथ पाल समाज के गौरव श्री वीरेंद्र बहादुर पाल जी हैं, जो सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन का दूसरी बार अध्यक्ष पद इनको मिला है, तो दूसरी बार लगातार इन्होंने चुनाव जीता। यह भी एक गौरव की बात है, मऊ जिले में लगातार दूसरी बार चुनाव जीतना ये काफ़ी बड़ी बात होती है। चुनाव पहली बार तो कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतता है, लेकिन दूसरी बार जब वो चुनाव जीतता है तो उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवहार और उसके संघर्ष के ऊपर लोग चुनाव करते हैं और उसको फिर दोबारा मौका देते हैं। मैं अब इनसे ही बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आज किस पर्पस से इन्होंने दुबारी में इनका आगमन हुआ है और अपने समाज के प्रति यह किस तरह का संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपने शब्दों में अपना परिचय दें। वीरेंद्र बहादुर पाल, अध्यक्ष सिविल कोर्ट मऊ। मैं अपनों के बीच में अपना उन लोगों का प्यार पाने के लिए, उन सब ने मुझे प्यार से यहाँ बुलाया था। मैं सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, उनका बेटा होने के नाते अपनों के बीच में आकर उनके साथ बैठा। चलिए, जब आप वकीलों के अध्यक्ष, जो वकील होते हैं उनके सीनियर अध्यक्ष बोले जाएंगे, इनसे जब आप बात करेंगे तो वकील और अध्यक्ष एक ऐसे शब्द है कि इनके पास समाज की हर जानकारी होती है, ये हर क्षेत्र में अपना एक अच्छी पकड़ रखते हैं। अब मैं आपसे बात कर लूँ, आपके समाज के लोग जो हैं आज इस दौर में अपने समाज को आप कहाँ देखते हैं? मेरा समाज बहुत आगे, बहुत पहले से शिक्षा में और नैतिकता क्या था, नैतिक रूप से हमारा समाज बहुत मजबूत है। संख्या भले ही कम हो लेकिन मनोबल और नैतिकता के आधार पर हमारा समाज सबसे आगे है। मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो तो आपको सुन चुके हैं, लेकिन जो लोग यहाँ भाग नहीं ले पाए उनको किस तरह का संदेश देना चाहिए? मैं समाज के लोगों को यही कहूँगा कि लोग, सभी लोग शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, शिक्षा सबसे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जो भी चीज आपका लक्ष्य होगा उसको आप प्राप्त करेंगे। जो जाति सर्टिफिकेट आप लोग का नहीं बन रहा है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? जाति संगठन की जो भी बातें हैं आने वाले समय में उसके लिए संघर्ष जारी है, अनवरत जारी रहेगा और निश्चित तौर पर एक समय आएगा जब आधिकारिक रूप से हम सबको प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित होगा। हम लोग उस क्रम में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी सफल नेतृत्व, आज से पहले भी लड़ाई लड़ी जाती थी, आगामी भविष्य में भी उस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जब आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या है पाल समाज के लोगों की। अब राजभरों की बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर है जो राजभरों का नेतृत्व करते हैं, और भी नेता है राजभर में, लेकिन उनका एक बड़ा चेहरा है। तो इस तरह से नहीं लगता है कि आपके समाज से भी एक अच्छा नेता उभरना चाहिए जो आपके समाज को आगे ले जाने का? निश्चित तौर पर हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य बहुत पहले से होता रहा है। इसी कड़ी में माननीय श्री दयाराम पाल बसवंत समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, MLC रहे, कमेंट मंत्री रहे, और उन्होंने समाज को दशा और दिशा दोनों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, जो आज भी अनवरत जारी है। भारत संविधान से चलता है और संविधान सबके लिए है। कुछ तत्व हैं जिनके वजह से पाल समाज के लोग काफी दिनों से परेशान है, जिनका धनगर का जाति समाज का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, इस पर अब मैं बाद में बात करूंगा। मैं एक दो लोगों से और बात कर लूं। यहाँ समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं माननीय मुसाफिर यादव जी, मैं इनसे बात करूंगा। क्या संदेश देंगे यहाँ उपस्थित लोगों को? कोई गोष्ठी होती है तो उसका एक उद्देश्य होता है और वही उद्देश्य इसका भी है कि जो लोग अभी अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं उनको सजग किया जाए। संवैधानिक व्यवस्था में क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिल रहा है इसे उनको प्रचित कराया जाए। अभी जो चुनाव हुआ है उसमें सवर्ण लोग
केवल इसलिए एकमत होकर वोट दिए हैं कि 10% का उनको संविधान से अलग हट करें। संविधान में कोई व्यवस्था नहीं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं 10% की व्यवस्था नहीं है। यह भाजपा सरकार ने किया है और उस 10% के बहाने उन्होंने अपने सारे लोगों को, चाहे उसकी श्रेणी में आते हों या न आते हों, उनको पहुंचा दिया है। अब यदि यह समाज समझदार होता तो इसी बूंद पर यदि एक हो गया होता, लेकिन नहीं समझ। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि 10% इनका जो आरक्षण था वो भी समाप्त कर दिया, लगभग उसको समाप्त ही बोल सकते हैं आप। तो इसलिए आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जब आप एक तेज तर्रार और जवान नेता पैदा करेंगे, समाज को एक अच्छा नेता देंगे, तो आपकी लड़ाई लड़ेगा, जमीन से लेकर सदन तक आपकी आवाज को बुलंद करेगा। तो इस तरह का काम होने के बाद तब आप लोग मजबूत होंगे। और इस तरह का मेरे समझ से करना चाहिए। हर समाज के लोग अपना नेता चुनते हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उसको सदन तक भेजते हैं कि वो भी अपने आप को मजबूत महसूस कर सके और उनका भी कोई काम अवरुद्ध न हो, उनका भी काम होता रहे। क्या नाम है सर आपका? ब्रजभान पाल, एडवोकेट। क्या संदेश देंगे आज सम्मान समारोह में? आपके साथ दूसरी बार अध्यक्ष पद निर्वाचित हुए हैं, तो आज आप अपने समाज को क्या संदेश देंगे? मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगा कि आज प्रेरणा लें कि सब लोग शिक्षित बने, संगठित हों और संघर्ष करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के दूसरी बार अध्यक्ष श्री बीरेंद्र बहादुर पाल जी हुए हैं, इनसे प्रेरणा लेने की बात है। इसी अवसर पर यहाँ संजीव जी ने और यहाँ मधुबन के लोगों ने ये पाल गौरव सम्मान सभा रखा जिसमें इनको सम्मानित किया गया है। इससे एक प्रेरणा लेने की बात है कि सभी लोग शिक्षित हों और आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बात है। आप मजबूत बनिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए। आपका हक कोई नहीं ले पाएगा जब आप शिक्षित रहेंगे, मजबूत रहेंगे और आपका नेतृत्व करने वाला मजबूत रहेगा तो आपके अधिकारों का हनन कोई नहीं कर पाएगा। अब मैं बात करूंगा दुबारी के ही रहने वाले हैं संजीव पाल धनगर जी, जो इस बार ही दुबारी प्रधानी का चुनाव भी लड़े थे, साथ दूसरे नंबर पर आप रहे थे, तो ये तो पुरानी बात हो गई। आज आप अपने समाज के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आज समाज ने उपस्थिति देकर और एक समाज का बेटा, एक समाज का जो है भाई, एक समाज का अतिथि जो है अच्छा एक इतिहास रच के आए हैं, जो इनका आज सम्मान समारोह रखा गया और समाज ने भरपूर उनका जो है आज आकर सम्मान करने का प्रयास किया। इसलिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा माइक के माध्यम से, और मैं अध्यक्ष जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज को एक बहुत बड़ा जो है नाम दिया आपने दूसरी बार बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनकर। दूसरी बार अध्यक्ष पद पे सुशोभित करने का काम किया इन्होंने, तो इनके समाज के जो लोग हैं इनको देखेंगे तो जरूर कुछ इनसे सीख मिलेगी और सीख लेनी भी चाहिए। अब मैं आपसे बात कर लूँ, संजीव पाल से मेरी बात हो रही है। आप हमेशा अपने समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो अब आप अपने समाज को कहाँ देखते हैं और किस तरह की नेता को आप चुनना चाहेंगे अपने समाज के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं पढ़ लिख के भी और एक नौकरी करना मेरा पैसा नहीं था, क्योंकि मेरा मन था, मेरा दिल इच्छा है समाज की सेवा करना। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर समाज की सेवा में लगा हूँ और भरपूर जब तक मेरे अंदर जी में जी रहेगा मैं समाज के लिए हर कदम चलूँगा। और प्रमाण पत्र की बात रही उसके लिए मैं लगा हूँ। अभी तहसीलदार महोदय से बात भी हुई थी तो बोल रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, 10 तारीख के बाद जो है आपकी बात सुनी जाएगी। यदि मेरी बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो मैं धरना प्रदर्शन से लेकर हर कदम अपने समाज के लेके साथ में करने के लिए तैयार हूँ। चलिए मैं लास्ट एक सवाल आज के मुख्य अतिथि जी से कर लूं कि अभी आपके समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई में समर्थ नहीं है, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, पढ़ा लिखा नहीं सकते, काफी उनकी दयनीय स्थिति है, उनके लिए आपका कैसा प्रयास है, क्या बोलना चाहेंगे? हमारे समाज के जो भी होनहार छात्र हैं जिन्हों पढ़ने की इच्छा करें, मैंने आज भी समाज के लोग एक साथ मिल करके उनको पढ़ाने का भी कार्य करेंगे और हायर शिक्षा, उच्च शिक्षा भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा और पूरी तरीके से सारा समाज हमारा सक्षम है और किसी भी बच्चे को पढ़ने के भी अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ाई उसकी नहीं रोकी जाएगी। चलिए अभी हम दोबारी में उपस्थित है, मेरी बात यहाँ उपस्थित लोगों से हो रही थी। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।